हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने क्लियर करने वाली हूँ एंड दैट इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ वेक्टर इन क्लास 11th। मैंने आपको क्लास 11th के जो वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया है उस पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप के हैं जिन्हें मैं आपके सामने एक बार प्रैक्टिस करके दिखा दे रही हूँ सो दैट आप इसको कॉपी डाउन करें और कॉपी डाउन करके इस तरीके के क्वेश्चन को और क्लियर करके एक्सप्लेन करके बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है स्पेशली 11th फिजिक्स में। सो पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी दिया है, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसका तरीका क्या है यूनिट वेक्टर निकालने का, हमें अपना डॉट प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट देखना पड़ेगा जिसमें हम एन कैप निकालते हैं। और एन कैप का मतलब क्या होता है कि पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर ए क्रॉस बी का मॉड निकालना पड़ेगा। जब हम उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व ऑल्सो। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि वेक्टर ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी द होल स्क्वायर। इसका मतलब आपको यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी इसका क्या होगा, मॉड हो गया है, मतलब ये वेक्टर नहीं है और ए डॉट बी द होल स्क्वायर है। तो हम एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करेंगे इसमें। यहाँ दो वेक्टर दिए हुए हैं, दे आर पैरेलल, यानी सिंपल हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है, पैरेलल कब होता था हमारा हम पढ़ चुके हैं, जब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा तो हमें दोनों वेक्टर पैरेलल मिलेंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भी हमें प्रूफ करना है, लेकिन हमें पास कंडीशन दी हुई है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन प्रूफ दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, करेक्ट। फिर एक कंडीशन दी है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी ये दो इसको ही लेके हम स्टार्ट करेंगे और ये बताएंगे कि थीटा क्या है दोनों के बीच का, दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड अगेन थीटा। यहाँ फाइंड m है, m की वैल्यू निकालनी है एंड दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर गिवन। तो m जो है यहाँ फाइंड आउट करना है, यानी परपेंडिकुलर गिवन का मतलब हमें a डॉट b इक्वल टू जीरो इक्वेट करते हुए m की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे ख्याल में आपके पूरे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, हम क्या क्या करेंगे एक एक करके अब मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन करने से आपको बहुत कुछ क्लैरिटी हो जाएगी वेक्टर्स की। पहले क्वेश्चन में हमारा जो वेक्टर ए दिया हुआ है वो कितना दिया था, वेक्टर ए इज इक्वल टू टू आई प्लस जे प्लस के था, एंड वेक्टर बी जो है वो आई माइनस जे प्लस टू के है। तो मैंने आपको कहा कि दोनों वेक्टर्स में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि व्हाट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और मॉड निकालने के लिए पहले मुझे उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका आपको याद है, हम डिटरमिनेंट बनाते हैं, आई जे के लिखते हैं, टू वन 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 माइनस वन टू, उसके कोएफिशिएंट्स को हम लिख लेते हैं एंड वी हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। जब हमें आई कैप देखना है तो हम आई को छोड़ देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज टू ऑफ माइनस वन हो जाएगा, करेक्ट। फिर माइनस जे कैप में हम जे को छोड़ देते थे तो फोर माइनस वन हो जाएगा, और के कैप में प्लस के कैप करेंगे और के को छोड़ देंगे तो दैट विल बी माइनस टू माइनस वन हो जाएगा, करेक्ट। तो आपका आएगा यहाँ टू प्लस वन थ्री आई कैप माइनस थ्री जे कैप एंड माइनस माइनस थ्री के कैप, तीनों आपका थ्री 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 आया है। आई होप ये आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है या जो बच्चे पहले से ये वीडियो देख रहे हैं एग्जांपल्स की, उन्हें प्लेलिस्ट में जाके 11th का वीडियो वेक्टर्स का देखने में ज्यादा इजी हो जाएगा। अब हम मॉड निकालेंगे, मॉड निकालने का तरीका हम जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर एंड के का स्क्वायर, कोएफिशिएंट का आपको स्क्वायर करना है, मॉड है इसलिए नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो थ्री कॉमन ले लीजिए और अंडर रूट क्या बचेगा, अंडर रूट थ्री बच जाएगा, थ्री बाहर आ जाएगा, जब तक थ्री स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वन 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 थ्री अंडर रूट थ्री। सो नाउ व्हाट विल बी एन कैप, एन कैप होगा वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है कैप का। तो वेक्टर क्या था हमारा, 3i आई माइनस थ्री जे माइनस थ्री के होल डिवाइडेड बाय थ्री अंडर रूट थ्री। आप चाहे तो थ्री थ्री कैंसिल कर सकते हैं, तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट कि वन बाय रूट थ्री ब्रैकेट में आएगा i माइनस जे माइनस के। सो दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड द
फर्स्ट क्वेश्चन वेर यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर फॉर गिवन टू वेक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें हमें क्या प्रूफ करना था, LHS जो था हमारा था वो A क्रॉस B का होल स्क्वायर, और इसे हमें जो प्रूफ करना है वो किसके बराबर प्रूफ करना है, कि इट इज नथिंग बट वॉट A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A डॉट B का होल स्क्वायर. दिस आई हैव टू प्रूव इट. तो मैं LHS लेके चलूंगी, दैट इज A क्रॉस B द होल स्क्वायर. तो A क्रॉस B का फॉर्मूला आपको याद है ना, क्या होता है A क्रॉस B का फॉर्मूला, इट इज A B साइन थीटा. A क्रॉस B इज A B साइन थीटा होल स्क्वायर है, इसलिए हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, A B साइन थीटा द होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, इट इज A स्क्वायर B स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा. करेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन. ये बात हम जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. हम उसे पुटअप कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक साथ लिख सकते हैं ना, ए बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर, एंड ए बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज ए डॉट बी द होल स्क्वायर. हेंस वी हैव प्रूव्ड कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. देखिए कोई भी प्रूफ करने के लिए आपको फॉर्मुलेज याद होने चाहिए. क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूफ करना था, और हमारे वेक्टर्स क्या क्या थे, वेक्टर ए था हमारे पास 2i माइनस 3j माइनस k, और वेक्टर बी था हमारे पास माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k. दीज आर द टू वेक्टर विच आई हैव टू प्रूव इट पैरेलल. पैरेलल दो वेक्टर तभी होते हैं जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आए. या बार बार याद करिए कि क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, दैट मीन्स द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर. अभी मैंने बताया आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है, पहले आप मॉड बनाइए, आई जे के 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6 9 3. ट्राई टू राइट इट करेक्टली, द कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के, एंड हमको क्या करना है, आई के बाद ब्रैकेट में क्या लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था. 3 इंटू 3 हो गया, ये आपका माइनस 3 3 जा 9 माइनस ऑफ माइनस 9. ठीक है, क्योंकि ये बीच में फॉर्मूले में माइनस लगता है और यहां 1 से मल्टीप्लाई हुआ है. माइनस जे करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू जा 6 माइनस ऑफ माइनस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम जे को छोड़ देंगे. प्लस के रहेगा हमारे पास, और के में हम क्या करेंगे, यहां हो जाएगा 9 टू जा 18 माइनस ऑफ माइनस माइनस अगेन इट इज प्लस 18 हो जाएगा ये आपका. सो दिस इज हाउ आपने मल्टीप्लाई किया. अब आप ओपन करिए तो क्या होगा, आई कैप के साथ ही होगा माइनस 9 प्लस 9 यानी 0 हो गया. माइनस जे के साथ क्या होगा, यहाँ पे जे के साथ हो गया 3 टू जा 6 माइनस ऑफ प्लस 6 होता, तो इट इज 6 माइनस 6 है, बिकॉज हमने जब जे कैप क्रॉस किया है तो माइनस 6 माइनस 1 इज प्लस 6 होगा, और बीच में माइनस साइन रहता है. करेक्ट, प्लस के कैप हुआ और ये 18 माइनस 18 आ गया. देखिए आपको मालूम है कि वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस में अगर गलती से माइनस लिख दिया तो हम आप खुद ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जीरो ही आना है बिकॉज द वेक्टर्स आर पैरेलल. तो 6 माइनस 6 जीरो होगा, 9 माइनस 9 जीरो होगा, और 18 माइनस 18 भी जीरो होगा. सो दिस इज हाउ इफ यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक यू कैन फाइंड इट देयर इटसेल्फ कि हमने कहाँ गलत किया है. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव डन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें हमें कंडीशन दी हुई थी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी. दिस कंडीशन वॉज ऑलरेडी गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम. थीटा निकालना है मुझे. करेक्ट, तो जो कंडीशन दी है हम उसी से स्टार्ट करेंगे और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे. तो व्हेन आई विल डू द स्क्वायरिंग, इट इज ए प्लस बी एंड देन ए प्लस बी. करेक्ट, एंड यहां हो जाएगा ए माइनस बी एंड A माइनस बी. वेक्टर्स हैं, सो यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन विद द साइन ऑफ वेक्टर ओनली. तो वेक्टर A इंटू वेक्टर A, तो A A का होगा A स्क्वायर, तो वेक्टर A स्क्वायर हो गया. देन वेक्टर A इंटू B, तो ये हो जाएगा प्लस वेक्टर A इंटू B प्लस वेक्टर B इंटू A प्लस B इंटू B B स्क्वायर. करेक्ट, सिमिलरली यहां पे भी वही होगा, A स्क्वायर माइनस A B, फिर देन माइनस बी ए एंड देन प्लस बी स्क्वायर.
करेक्ट, मल्टीप्लीकेशन किया है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, बट इट शुड बी करेक्ट साइन। तो यहाँ क्या होगा आपका, ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, बट यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी, बी डॉट ए जो है वो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी हो सकता है, करेक्ट। यहाँ पे भी माइनस ऑफ ए डॉट बी माइनस ऑफ बी डॉट बी है, तो माइनस ऑफ टू टाइम्स ए डॉट बी हो सकता है ना। जब इसको हम यहाँ ले आएंगे तो क्या होगा, फोर टाइम्स हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। फोर इज अ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी जीरो, और ए डॉट बी को हम कह सकते हैं ए बी कॉस थीटा इज जीरो, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। एक वेक्टर है, कैन नॉट बी जीरो, बी कैन नॉट बी जीरो, इसका मतलब सिर्फ कौन सा जो टर्म है वो जीरो हो सकता है, कॉस थीटा जीरो हो सकता है। देखिए फोर कॉन्स्टेंट है, कैन नॉट बी जीरो, ए कैन नॉट बी जीरो, बी कैन नॉट बी जीरो, यानी कॉस थीटा इज जीरो। और कब कॉस थीटा जीरो होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दैट मींस द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करेक्ट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर दिए हुए थे हमें, वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई थी 3i माइनस 2j प्लस k, एंड वेक्टर बी की वैल्यू दी हुई थी हमें 2i प्लस 6j माइनस mk। और क्वेश्चन ने कहा था कि दीज टू वेक्टर्स आर व्हाट, परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन से ही हम स्टार्ट करेंगे कि a डॉट b इज जीरो। डॉट प्रोडक्ट अगर आप भूले नहीं होंगे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, और अगर आपको कंफ्यूजन है देन प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट एंड सी द वेक्टर, वेक्टर का देखिए आपकी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने कैसे निकालना आपको सिखाया है। तो i डॉट i वन होगा, थ्री टू जर सिक्स माइनस एन प्लस माइनस, सिक्स टू जर ट्वेल्व, एंड ये हुआ माइनस m इक्वल्स टू जीरो। सिक्स माइनस ट्वेल्व कितना हुआ, माइनस सिक्स, माइनस m इक्वल्स टू जीरो, तो m इज इक्वल टू माइनस सिक्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m विच विल गिविंग यू द कंडीशन दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन m शुड बी इक्वल टू माइनस सिक्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे वेक्टर के विच यू शुड नोट इट डाउन एंड प्रैक्टिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।